स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस टीम के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? ए एथलेटिक्स, बी शूटिंग, सी कुश्ती, डी हॉकी। आंसर ए एथलेटिक्स। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई से होने जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने बुधवार को ओलंपिक के लिए भारतीय दल में 7 रिजर्व सहित 117 एथलीटों के शामिल होने की पुष्टि की। 29 एथलीटों के साथ एथलेटिक्स टीम सबसे बड़ा समूह है, जिसमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। इनके अलावा निशानेबाजी में 21 और हॉकी के 19 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? ए विदेश मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। आंसर सी खेल मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। कीर्ति कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे देश में साल भर में विभिन्न खेलों के 20 लाख टैलेंटेड खिलाड़ियों की पहचान करना है। इस तरह के प्रतिभाओं की पहचान और मूल्यांकन कार्यक्रम भारत में पहली बार हो रहा है। अगला प्रश्न। श्रीलंका दौरे के लिए T20 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ए हार्दिक पांड्या, बी सूर्य कुमार यादव, सी ऋषभ पंत, डी शुभमन गिल। आंसर बी सूर्य कुमार यादव। एक्सप्लेनेशन, भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की गुरुवार को घोषणा हो गई। सूर्य कुमार यादव को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं रोहित शर्मा वनडे टीम की कप्तानी संभालते नजर आएंगे। विराट कोहली भी इस दौरे पर वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। इस दौरे पर दोनों सीरीज के लिए शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न। गोंडा ट्रेन एक्सीडेंट में कौन सी गाड़ी पटरी से उतर गई? ए डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, बी अवध असम एक्सप्रेस, सी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, डी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। आंसर डी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। एक्सप्लेनेशन, 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 की 14 बोगिया गोंडा रेलवे स्टेशन के निकट मोतीगंज जिलही बाजार के बीच 2:41 बजे पटरी से उतरकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हादसे के बाद करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई। इलेक्ट्रिक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। अगला प्रश्न। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? ए नितिन गडकरी, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। आंसर बी एस जयशंकर। एक्सप्लेनेशन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोविंद भी 16 जुलाई 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान उपस्थित थे। डॉक्टर एस जयशंकर 16 और 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया।